Assalamu alaikum. Okay, so in this video I'm going to tell you about the cortical and brain stem control of motor functions. Iska matlab ye hai ki hamari body mein jitne motor functions perform kar rahe hain, jo bhi hum actions kar rahe hain, they all are motor functions. वो किस तरह से कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और किस तरह से ब्रेन स्टेम उसकी कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व है. तो ये सारी बातें मैं इसमें आपको बताऊंगी. अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँगी तो गाइटन का आपका चैप्टर नंबर 56 है, जिसका मैं ये ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, और ऑर्डर मैं वही रखूँगी सीक्वेंस जो गाइटन में फॉलो किया गया, ताकि आपके लिए भी पढ़ने में आसानी हो. सो बिफोर स्टार्टिंग हमें सबसे पहले ब्रेन की कुछ मेन बातें एनाटॉमिकल बतानी चाहिए. अगर आपने ब्रेन एनाटॉमी में पढ़ा हुआ न्यूरो एनाटॉमी में, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी. तो इस वजह से ही अगर हमारे पास, अगर मैं बताऊँ कि ये ब्रेन का एक वैसे जनरल सा स्ट्रक्चर है, लैटरल साइड से दिखाया हुआ है ये ब्रेन को मैंने, तो you know, हमारे पास ये जो फिशर होता है जिसे हम लैटरल सल्कस कहते हैं. मैं डिटेल में नहीं जा रही कि सारी एनाटॉमी की बातें, जस्ट रिव्यू दे रही हूँ. लैटरल सल्कस इसे हम सिल्वियन फिशर भी कहते हैं. फिर हमारे पास जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, यू नो, हमारे पास दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं. राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान में जो फिशर होता है, फिशर का मतलब जो जगह होती है, जो गैप होता है, उसे हम कहते हैं ऊपर से देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर. ठीक है जी, ऐसे राइट एक आपका हेमिस्फीयर है, एक आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जो इनके दरमियान में जगह, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर. ये वाला जो फिशर है आपको लैटरल सल्कस नजर आ रहा है, दिस इज द सिल्वियन फिशर. फिर ये एक सेंटर में ऐसे एक सल्कस आया हुआ होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस. ठीक है, इस सेंट्रल सल्कस से आगे जितना एरिया होता है, दिस इज़ द मोटर एरिया, और इस सेंट्रल सल्कस से पीछे वाला एरिया इज़ द सेंसरी एरिया. ठीक है, तो हमने क्योंकि अभी बात करनी है मोटर एरिया की, तो हम इस वाले एरिया से कंसर्न हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इस एरिया के हमने किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हिसाब से डिफरेंट एरियाज़ बनाए हुए हैं. इस सारे मोटर एरिया को मज़ीद हमने 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले इस सेंट्रल सल्कस से बिल्कुल अगले फिशर के दरमियान में जो जायरस आता है, आपको ये तो बताया ना कि ब्रेन में सल्कस होते हैं, और सल्कस के दरमियान में जो ब्रेन का मैटर होता है उसे जायरस कहते हैं, गायरस नहीं जायरस. ठीक है, सो ये जो जायरस है बीच में, अगला इसके सल्कस जो है प्री सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के दरमियान में, दिस इज़ द एरिया विच इज़ द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. ठीक है, इस एरिया को ब्रेन के प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं. ये एनाटॉमी की बात है, सल्कस वगैरह इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही. ये सेंट्रल सल्कस है, इसे पीछे सेंसरी, इसे आगे मोटर. फिर सेंट्रल सल्कस से अगला जो सल्कस होता है ब्रेन का, उसे हम कहते हैं प्री सेंट्रल सल्कस, और इन दोनों के दरमियान वाले जायरस को हम कहते हैं जायरस को प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. ठीक है जी, या फिर ब्रॉडमैन वाज अ साइंटिस्ट, और उसने जब एक दफ़ा क्लासिफिकेशन की थी ब्रेन की, तो उसने ब्रेन को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया था, और उसने हर एरिया को एक नंबर दिया था. तो वो क्लासिफिकेशन अभी तक साथ साथ एक लाजमी फॉलो की जाती है अक्सर औकात एमसीक्यूज़ में या फिर वाइवा में पूछा जाता है. तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का जो ब्रॉडमैन एरिया है वो एरिया 4 है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट वाले एरियाज का. ठीक है, फिर हमारे पास इससे अगला वाला जो पोर्शन है यहाँ पर होगा वो. ठीक है, दिस एरिया इज़ नॉन एज प्री मोटर कॉर्टेक्स. ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, ये वाला एरिया जो आपका प्री मोटर कॉर्टेक्स है. फंक्शन में अभी इन सब के बताती हूँ, और ब्रॉडमैन के हिसाब से दिस इज़ एरिया 6. ठीक है, ये लैटरल साइड की बात होगी. फिर हमारे पास एक एरिया होता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. वो ये जहाँ पर प्री मोटर एरिया ख़त्म हो रहा है, इसी की साइड अगर मीडियल साइड से ब्रेन को देखें, ये लैटरल साइड से अगर ब्रेन है, अगर ब्रेन सपोज ऐसे करके इसका एक हेमिस्फीयर पड़ा हुआ होता है, तो ये जो मेरे हाथ की बाहर वाली साइड है सारी की सारी, दिस इज़ द लैटरल साइड, और जो अंदर वाली साइड है दिस इज़ द मीडियल साइड. तो मीडियल साइड में जो अपर पोर्शन होता है ब्रेन का, जस्ट इन एट द इनर साइड ऑफ द प्री मोटर कॉर्टेक्स, वहाँ पर होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, छोटा सा एरिया होता है, तो वो वहाँ पर पड़ा हुआ होता है. और फिर एक आखिरी मोटर एरिया है, दैट इज़ नॉन एज पोस्ट सेंट्रल मोटर एरिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गाइटन में ये मैंशन शायद नहीं किया हुआ इतना अलग से. पोस्ट सेंट्रल मोटर एरिया का ये मतलब है कि जो आपका सेंट्रल सल्कस है, इससे पीछे ये जो सेंसरी कॉर्टेक्स है आपका, इसमें घुस रहा होता है एक एरिया मोटर कॉर्टेक्स का, दैट इज़ नॉन एज पोस्ट सेंट्रल मोटर एरिया. सेंट्रल सल्कस से पीछे पोस्ट, और है वो मोटर. ठीक है जी, एरिया 312 है ये ब्रॉडमैन का. अब हमारे पास इसकी बात करते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, मेनली अगर इसकी बात करें थोड़ी सी, तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व इन द मेन आपके प्रोडक्शन ऑफ एक्शंस. ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी कोई भी मूवमेंट आप प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एक्सेसरी डिस्क्रीट सी मूवमेंट्स तो परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन जो मेन मूवमेंट की प्रोडक्शन है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से होती है. प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो सेंसरी कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, या फिर थैलेमस के थ्रू भी इसके पास इन्फॉर्मेशन आती है. उस इन्फॉर्मेशन को फिर एनालाइज करके फाइनल जो हमारी मूवमेंट प्रोड्यूस करना होती है, उसके लिए हर तरफ से फिर मैसेज आते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास. प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स फिर मैसेज भेजता है थ्रू कॉर्टिको स्पाइनल या डिफरेंट ट्रैक्ट्स हैं, मैं उनकी जिक्र करूँगी, उनके जरिए मैसेज भेजता है नीचे की तरफ, और हमारे पास जो भी एक्शन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज़ द मेन थिंग. अच्छा, अगर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को आप दूसरी तरह से देखें, लाइक अगर मैं इसको सपोज़ मेरा ये वाला सारा ऐसे करके ब्रेन का एरिया था, मैं ब्रेन के एरिया को यूँ रखूँगा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स वाली जगह से काट के देखूँ,
तो ये आपका वो सारा का सारा कॉर्टेक्स है. दिस इज होल द लैटरल सर्फेस. इस पे आपकी बॉडी का एक एक पार्ट अलग जगह प्रेजेंट किया गया जाता है. जिस तरह आपने सेंसरी होमनक्यूलस पढ़ा होगा सेंसरी सिस्टम में, उसी तरह ये मोटर होमनक्यूलस होता है मोटर सिस्टम में, कि बॉडी का हर पार्ट अलग अलग जगह पर जब एक्सप्रेस होते हैं इन द ब्रेन, वो अलग ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट है जो बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है. जिस जगह की मोटर एक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा फाइन है, वो सबसे बड़ा एक्सप्रेस होगा. जिस जगह की मोटर एक्टिविटी थोड़ी है, वो थोड़ा होगा. ठीक है, अब हमारे पास अगर आप ये देखें मोटर होमनक्यूलस जो बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ा ये थंब नज़र आ रहा है और फिंगर्स. थंब और फिंगर्स इतनी बड़ी इसलिए कि थंब और फिंगर्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती हैं और बहुत फाइन मूवमेंट्स करती हैं. इस वजह से हमारे पास मोटर होमनक्यूलस में इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह ली हुई है. टांग और पाँव उसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं, बिकॉज इनने मूवमेंट तो ज़्यादा करनी होती, बट इनकी कोई डिस्क्रीट या फाइन उतनी मूवमेंट नहीं होती जितनी उंगलियों की होती है, लाइक बटनिंग ऑफ शर्ट एंड राइटिंग वगैरह. इसी तरह फिर हमारे पास मुंह की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमने बोलना जो है वो हर टाइम होता है. तो आपको अगर मैं ये बात बताऊँ कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का मेजर जो काम है सबसे ज़्यादा, वो हैंड एंड स्पीच के मसल्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इन्हीं दो मसल्स को इस्तेमाल करते हैं, या हाथों को या फिर जबान को इस्तेमाल करते हैं. तो ये आपका हो जाता है, इसे कहते हैं मोटर होमनक्यूलस. वाइवा में अक्सर पूछ लेते होते हैं. अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्री मोटर एरिया पे. प्री मोटर एरिया हमारा अगला एरिया था, जिससे मैंने कहा था एरिया फोर. अगर इसका एक्सटेंड को देखें तो ये हम कहते हैं कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्राइमरी मोटर एरिया, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सिल्वियन फिशर विच इज़ दिस वन अप टिल द लॉन्गिट्यूडनल फिशर विच इज़ दिस वन. ठीक है, तो सिल्वियन से लॉन्गिट्यूडनल फिशर तक ये जाता है. और ये क्यों यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका काम मेनली है हमारे मोटर इमेज बनाना. अब आपका वाइवा का सवाल आता होता है, और अक्सर अवकात आपके एमसीक्यू में बात आती है कि वेयर डज द मोटर इमेज फॉर्म्स. ठीक है, मोटर इमेज का ही लफ्ज़ आएगा उस एमसीक्यू में, मोटर इमेज. तो मोटर इमेज ऑलवेज फॉर्म्स इन एरिया सिक्स और द प्री मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन. ठीक है जी, याद रखना है. मोटर इमेज का मतलब ये है हमारे पास कि आपको ये जो प्री मोटर एरिया है, सपोज उसका ये इंटीरियर पोर्शन है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है. जब इसके पास इन्फॉर्मेशन आती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये इसका इंटीरियर पोर्शन एक्टिवेट होता है और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, एक मोटर इमेज बनाता है. ठीक है, वो मोटर इमेज बनाने के बाद अपने पोस्टीरियर एरिया को स्टिमुलेट करता है. फिर इसका पोस्टीरियर एरिया जो है वो जाके उस मोटर इमेज को देखता है, फिर उसे मजीद इंटरप्रेट करता है, और फिर उसके हिसाब से प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को जाके मैसेज भेजता है कि भाई ये काम था, हमने ये इमेज बना ली है, तुम इस हिसाब से मैसेज जो है वो नीचे बॉडी पार्ट्स को भेज दो और मूवमेंट परफॉर्म करा दो. तो मूवमेंट परफॉर्म कराना तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का काम है, प्री मोटर कॉर्टेक्स का काम है मोटर इमेज बनाना. ठीक है, भूलना नहीं है. बाकी नेक्स्ट पार्ट में.